गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स माय नेम इज अंकित जायसवाल। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री में हाउ व्हेन एंड वेयर स्टार्ट किया था और आपको बताया था कि डेट्स के बारे में, और हाउ व्हेन एंड वेयर का मतलब होता है कैसे, कब और कहाँ। इसमें मैंने आपको बताया था फिगर आइज करके कि कैसे हिस्ट्री के बारे में हमको जानने को मिलता है, डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है और डेट्स का क्या महत्व है, कौन सी डेट हमें याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ा था विच डेट को, कौन सा डेट हमें पढ़ना चाहिए। देखिए चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल, हमको आपको बताना था कि मुझे आपको बताना था कि कौन सा डेट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, इन द हिस्ट्रीज रिटन बाई ब्रिटिश हिस्ट्रियन इन इंडिया। देखिए कुछ हिस्ट्री ऐसी है जो ब्रिटिश लोगों ने लिखी है, भारत में आके ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री लिखी है। अब ईच गवर्नर जनरल, आप जानते हैं गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे उस टाइम पे अलग अलग हुआ करते थे। अब देखिए दिस हिस्ट्रीज बिगेन विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। पहले गवर्नर जनरल जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स से ये शुरू होता है और एंडेड विद द लास्ट वाइस रॉय, और लास्ट वाइस रॉय पर जाकर ख़त्म होता है। लॉर्ड माउंट बेटन, इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर। लॉर्ड माउंट बेटन के चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, हेस्टिंग्स के बारे में, वेलेसले, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन, ये सारे क्या हैं, गवर्नर जनरल थे। इट वॉज अ सीमिंगली नेवर एंडिंग सक्सेशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉय। क्या था बच्चों इनका लुक का, हमेशा कभी ख़त्म नहीं होता था, एक दूसरे पे सक्सेसर यानी उत्तराधिकारी बनते रहते थे। ऑल द डेट्स इन दीज हिस्ट्री बुक्स वर लिंक टू दीज पर्सनालिटीज। और आप हिस्ट्री में जब बुक्स ढूंढोगे तो इन लोगों के बारे में आपको किताबों में ज़रूर देखने को मिलेगा, इनके इतिहास के बारे में आपको ज़रूर पढ़ने को मिलेगा। टू डेयर एक्टिविटीज़, इनके बारे में आपको इनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी, इनकी पॉलिसीज़, इनके नियम क्या थे, नीतियाँ क्या थी वो देखने को मिल जाएगा, और इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या प्राप्ति हासिल क्या क्या किया, ये सब देखने को आपको हिस्ट्री के बुक में मिलेगा। इन सब के जो भी जितने भी डेट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो बन जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिश ने लिखा हुआ है और क्या क्या इन्होंने किया, कब किया, क्या क्या नीतियाँ अपनाई गई, कौन कौन सी चीज़ लागू करी, क्या हित में थे, क्या अनहित में थे, ये सारी चीज़ें इनके बारे में लिखी गई हैं, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ दैट वॉज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। अब देखिए जो हिस्ट्री लिखी गई थी उस टाइम पे वो इन्हीं के बारे में लिखी गई थी, ऐसा हो मानो कि उनके अलावा कुछ और था ही नहीं उस टाइम पे जानने के अलावा, बस जो भी था बस इन्हीं के बारे में जानना था, जो इन्होंने क्या किया है, क्या करते हैं, हिस्ट्री में यही लिखा गया था, ऐसा बुक में आपको बताया गया है कि बस इन्हीं के बारे में बताया जाता था। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लिव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। अब इनकी जो ज़िंदगी थी, क्या करते थे, जीते थे, यही सब चैप्टर जो है ब्रिटिश इंडिया में आपको जो भी पढ़ेंगे जब आप लोग बुक में, तो इन्हीं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। देखिए फिगर में आप देख सकते हैं कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं जो पहले गवर्नर जनरल 1773 में बनाए जा रहे हैं, और कुछ इस तरह की ड्रेसिंग इनकी थी, है ना। वाइल हिस्ट्री बुक नरेट द डेट्स ऑफ गवर्नर जनरल, बायोग्राफीज ग्लोरिफाइड देम एज पर्सन एंड पेंटिंग्स प्रोजेक्टेड देम एज पावरफुल फिगर्स। देखिए जो हिस्ट्री बुक्स है उनको कैसा बताती है, एक गवर्नर जनरल के तौर पर बताती है, लेकिन जो पेंटिंग्स है वो कैसा दिखा रही है, किसी पावरफुल फिगर जैसे कोई राजा महाराजा हो, ठीक है। चलिए अब देखिए, कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे, कह रहा है क्या हम इस हिस्ट्री को किसी दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल, कह रहा है हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, किस तरह से हम जो अलग अलग लोग हैं, ग्रुप हैं, या जो क्लासेस हैं भारतीय सोसाइटी में, फॉर्मेट ऑफ, तो हम लोग इनको अलग तरीके से भी राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, हमको इन्हीं पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब भी हम हिस्ट्री लिखते हैं और स्टोरी वी डिवाइडेड इनटू टू चैप्टर्स, तो हम इनको कई चैप्टर्स में विभाजित कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम कोहरेंस, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको टुकड़ों में याद रहे, आप एक साथ पूरा पढ़ा देंगे तो आप भूल जाओगे, है ना। इट इज़ टू टेल अ स्टोरी इन अ वे डैट मेक सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड, हम स्टोरी को इसलिए बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं जिनमें कुछ मतलब निकल सके और उनको कुछ दिनों तक याद रखा जा सके और उनके आगे क्या क्या हो ऐसी कहानी बनती रहे। इन दैट प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दीज
इज इवेंट दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, हम केवल उन्हीं इवेंट पर ध्यान देते हैं जो कहानी में मेन होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कहानी बहुत बड़ी होती है उनमें, लेकिन कुछ कुछ इवेंट ही हमको याद होते हैं। सारे इवेंट्स तो हमको याद नहीं होंगे, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वही हमको याद रहते हैं और कहानी में वही बताए भी जाते हैं। इन द हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल, अगर मैं बात करूँ गवर्नर जनरल के जो इतिहास थे उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन सिंपली डू नॉट फिट, तो वहाँ पर भारतीय लोगों के बारे में कोई बात की ही नहीं गई है। दे हैव नो स्पेस, उनके बारे में कोई स्पेस नहीं दिया गया है। यानी जो भी ब्रिटिश जो भी हिस्ट्री जो भी बनाई गई उसमें क्या था, केवल गवर्नर जनरल्स के बारे में लिखा गया, गवर्नर जनरल्स के बारे में यानी कि जीजे के बारे में लिखा गया, उसके बारे में कुछ नहीं। उसके बारे में वाइस राय, वो क्या करते थे बच्चों, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, बस उन्हीं के बारे में बताया गया। उसके बारे में कोई भी इंडियन उनमें उस बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वॉट देन डू वी डू, ठीक है, हमने तब क्या किया, Clearly, we need another format for our history. इसलिए हमको अब दूसरे इतिहास की ज़रूरत है जहाँ पर हम जान सकें कि उस टाइम में भारतीय लोगों की स्थिति क्या थी, What was the condition of Indian that time, है ना। So this would mean that the old dates will no longer have that significance they earlier had. इसलिए ये बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जो पहले के डेट हैं वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए अब नहीं है जितने कि उस टाइम पे थे। अ न्यू सेट्स ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, इसीलिए हमारे पास कुछ नए डेट्स आने बहुत ज़रूरी हैं। हाउ डू वी पीरियडाइज, किस तरह से हम डेट्स को पीरियडाइज करेंगे, कैसे उसको हम मतलब जानेंगे कि इस बात की दौरान की बात है। देखिए, इन 1870-1817 में जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर पब्लिश्ड अ मैसिव थ्री वॉल्यूम वर्क हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, जेम्स मिल थे 1817 में, वो कौन है, स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। उन्होंने एक किताब निकाली थी जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इंटू थ्री पार्ट, उन्होंने क्या किया इसमें तीन भाग में बांट दिया जो भारत की हिस्ट्री थी उस टाइम पे, तीन भागों में बांटा। उनमें क्या लिखा, हिंदू लिखा, मुस्लिम लिखा और ब्रिटिश, तीन भाग में डिवाइड कर दिया, एक तरफ हिंदू, दूसरी तरफ मुस्लिम, दूसरी तरफ तीसरी तरफ ब्रिटिश। द पीरियडाइजेशन केम टू वाइडली एक्सपेक्टेड, और इस जो है बंटवारे को एक्सेप्ट कर लिया गया। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री, कि आपको लगता है कोई समस्या होने वाली इस तरीके से देखने में, क्या एक तरफ हिंदू हो जाए, एक तरफ मुस्लिम हो जाए, एक तरफ ब्रिटिश हो जाए। अब होता क्या था उस टाइम पे, केवल ब्रिटिश के बारे में दिखाया गया, जो अंग्रेजों ने लिखा था उसमें खाली अपने बारे में दिखाया उन्होंने हिंदू और मुस्लिम की क्या स्थिति थी या आम लोगों की क्या स्थिति थी उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया, बस खाली ब्रिटिश क्या करते थे उसी के बारे में उन्होंने दिखाया। तो वहाँ पर जेम्स मिल्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन एक और किताब लेकर आए, उस जो गवर्नर जनरल के टाइम पर जितने भी इंडियन हुआ करते थे उनके बारे में लिखा उन्होंने। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश तीन तरीके से अलग कर दिया और तीनों को कैटेगराइज करके उनके बारे में लिखना शुरू किया। दिस पीरियडाइजेशन केम टू वाइडली एक्सपेक्ट, अब देखिए वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इन टू डिफरेंट पीरियड्स, कह रहा है हिस्ट्री को हम बहुत भागों में डिवाइड क्यों करते हैं। वी डो सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टाइम, इसलिए करते हैं बच्चों ताकि हम हर प्रकार के जो समय होता है, अब भाई हिस्ट्री को हम डिवाइड नहीं करेंगे तो आपसे बोला जाए एक से शुरू हो और यहाँ तक आज तक खत्म हो जाए तो क्या आप याद कर पाओगे, नहीं, इसलिए हम डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको पार्ट बाई पार्ट स्टेप बाई स्टेप याद रखा जाए और हर एक समय हर एक टाइम में क्या महत्व है वो भी याद रखा जाए। भाई मैं पहली शताब्दी से शुरू कर दूँ और आपको आज 20वीं शताब्दी पर लाके खत्म करूँ तो क्या आप हिस्ट्री समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम बताते हैं पहली शताब्दी में क्या इंपॉर्टेंट था, दूसरी में क्या इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम उसको पीरियड वाइज डिवाइड करते हैं। अब अगर शुरू से ही लेकर अंत तक चले आएंगे तो आपको मालूम नहीं चल पाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ था वो क्या इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेंचुरी में क्या हुआ था वो क्या उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए इसको जो है बच्चों अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, पीरियडाइज किया गया है। इट्स सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस, देखिए, सो द टर्म थ्रू विच वी पीरियडाइज दैट इज डेमोक्रेट द डिफरेंसेस बिटवीन पीरियड्स। अब होता क्या है कि हम जो है पीरियड्स के बीच में कंपेयर करते हैं। डेमोक्रेट मतलब क्या होता है, हम एक फर्स्ट सेंचुरी में क्या हुआ, सेकेंड सेंचुरी में क्या हुआ, इनमें कंपेयर कैसे करेंगे, अगर हमको मालूम अगर हम इसको पीरियडाइज नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे तो हमको कैसे मालूम चलेगा कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा है। अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूँ कि भाई अगर आपको मैं पूछूँ 15वीं सेंचुरी में जब मुगल शासक शासन किया करते थे और आज के टाइम पे, ठीक है, 21st जो हमारा सेंचुरी है उस टाइम पे कंपेयर करना हो तो आप कैसे कंपेयर करोगे, क्योंकि आपको पता है 15वीं सेंचुरी में मुगल शासक कैसे थे तो आप कंपेयर कर ले जाओगे। अगर मैं आपको बताता ही ना और आपको बस खाली इतिहास पढ़ता चला आता तो आप जान पाते कुछ नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता, आपको लगता सब एक ही फ्रेम में आ रहा है ना, एक ही फ्रेम में चलता हुआ चला आ रहा है। इसीलिए पीरियडाइज किया जाता है ताकि आप इसको कंपेयर भी कर सकें और जान भी सकें कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टाइम पर क्या इंपॉर्टेंस था आज के टाइम पर क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, चलिए देखिए,
अब देखिए, दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट, हम इसको पढ़ते हैं ताकि हमारे जो पिछले जो हमारे साथ हमारे पिछले ज़माने में जो बीत चुका है वो हमको मालूम चल सके, उसके आइडिया हो सके हमको। दे सो हाउ द हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। ठीक है, जो हम लोग बांट देते हैं, पीरियड को डिवाइड कर देते हैं, इससे हमको ये मालूम चलता है बच्चों कि जो चेंज हुआ था, जो बदलाव हुए हैं, वो कितने ज़रूरी हैं और इम्पॉर्टेंट थे, इससे हमको ये क्लियर हो जाता है। अब देखिए, मिल जो थे, जेम्स मिल, जिन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, मिल थॉट डैट ऑल एशियन सोसाइटीज़ वर एट अ लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैट यूरोप। कह रहे हैं उस टाइम पे जो एशियन सोसाइटीज़ थी वो क्या थी, यूरोप के सोसाइटीज़ से कम सभ्यता, उसमें कम सभ्यताएँ थीं, उतने मतलब ज़्यादा विकसित नहीं थी। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जिस तरह से उन्होंने इतिहास बताया है, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इससे पहले जब ब्रिटिश भारत आए थे, इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम डिजॉर्ट रूल द कंट्री। तो इंडिया में कौन था, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, ये दोनों लोग रूल किया करते थे, शासन किया करते थे। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टबूज एंड सुपरस्टिशन प्रैक्टिस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। देखिए, ब्रिटिश के आने से पहले क्या था, भारत में बहुत ज़्यादा धार्मिक मतभेद हुआ करते थे, ठीक है, असहिष्णुता थी, कास्ट टैबूज, बहुत ज़्यादा जातिवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुपरस्टिशन फैला हुआ था, यानी कि जो है अंधविश्वास बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। ये कहना था किसका, जेम्स मिल्स का, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों से आने से पहले भारत में ये चीज़ें हुआ करती थी। देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ब्रिटिश रूल, ठीक है, अब देखिए, मिल को ऐसा लगता था कि जो है जो ब्रिटिश रूल है वो भारत में इन चीज़ों को सुधार सकता है, भारत की तरक्की कर सकता है इन चीज़ों को दूर करके। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट, इंस्टीट्यूशन एंड लॉज इन इंडिया। इसके लिए भारत में क्या करना होगा, जितने भी यूरोप की चीज़ें हैं, यूरोप की सभ्यताएँ हैं, यूरोप का आर्ट है, यूरोप का कल्चर है, यूरोप की पढ़ाई लिखाई है, यूरोप के नियम हैं, सब लाकर भारत में डालना पड़ेगा, इसीलिए तभी भारत सक्सेसफुल हो पाएगा, यानी भारत डेवलप कब हो पाएगा। उनका कहना था, जेम्स मिल्स का कहना था कि भाई भारत जो है बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर अंधविश्वास है, ठीक है, यहाँ पर लोग जातिवाद में फैले हुए हैं, हिंदू मुस्लिम में अटके पड़े हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, उनके लिए क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा यूरोप में, यानी जो यूरोप है वहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, यूरोप की जो लॉज हैं, नियम हैं, वहाँ की पढ़ाई लिखाई है, वहाँ के कल्चर हैं, वहाँ के लोग बहुत सिविलाइज हैं यूरोप के, उनको इंडिया में लाना पड़ेगा, तभी इंडियन लोग सक्सेसफुल हो पाएंगे, यानी कि डेवलप्ड हो पाएंगे। ये जेम्स मिल्स का कहना था, ठीक है। अब देखिए, मिल इन फैक्ट सजेस्टेड दैट द ब्रिटिश शुड कंक्योर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। मिल का ये भी कहना था, जो जेम्स मिल्स थे उनका ये भी कहना था कि भारत में जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितने भी एरिया हैं, उनको क्या करना चाहिए, कनक्योर कर लेना चाहिए, ब्रिटिश लोगों को उनको जीत, उन पर कब्जा कर लेना चाहिए, ठीक है, टू इंश्योर द इनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडियन पीपल, ताकि भारत के लोग और सुखी रह सकें। अगर उन पर जीत नहीं करेंगे तो वो लोग अंधविश्वास में अटके पड़े रहेंगे, इसीलिए कब्जा कर लें और उनको अपने अंडर ले लें और भारतीय लोगों को क्या करें, डेवलप कर दें, उनमें जो फैली हुई जो कुरूतियाँ हैं उनको दूर कर दें। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। जेम्स मिल्स का कहना था बच्चों कि बिना ब्रिटिश के, बिना अंग्रेजों के, भारत में बदलाव संभव ही नहीं है, ठीक है, भारत के लोग जो है पिछड़े रह जाएंगे अगर अंग्रेज ना हुए होते तो, ये जेम्स मिल्स का कहना था, ठीक है। अब देखिए, मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। देखिए, अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश से दूर हटके, तो जो इतिहासकार हैं उन्होंने इतिहास को तीन भागों में बांटा हुआ है, एंशियंट यानी प्राचीन, मेडिवल यानी जो बीच का इतिहास है, मध्य इतिहास, एंड मॉडर्न और आज का आधुनिक इतिहास। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। अब इस डिवीजन में भी प्रॉब्लम है, इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट। ये कहाँ से लिया गया है, वेस्ट से लिया गया है, वेयर मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ मॉडर्निटी। क्यों, मॉडर्न जो पीरियड है उसको किस तरह से दिखाया गया है, जो आज का मॉडर्निटी है यानी जो आधुनिकता दिखाई गई है, वो आज के समय से दिखाई, यानी वेस्ट के समय से दिखाई गई है। जिस तरह से लोग यूरोप ने अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, जब से भारत में वो मॉडर्न मॉडर्निटी आई है, जब से भारत में वो आधुनिकता आई, तब से हमारा इतिहास क्या हुआ, मॉडर्न हो गया, साइंस हो गया। देखिए, साइंस है, रीजन है, डेमोक्रेसी है, लिबर्टी, साइंस यानी विज्ञान, रीजन कारण, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, और लिबर्टी यानी आज़ादी, एंड इक्वलिटी और बराबरी, सब ये चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें जो है मॉडर्न मानी जाती हैं, यानी आधुनिकता की जो है जंजीरें मानी जाती हैं। इन से जब से ये सब चीज़ें आई हैं, तब से ही भारत क्या हुआ बच्चों, तब से ही बस माना जाने लगा कि ये मॉडर्न हिस्ट्री है,
मेडिवल वाज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए जो मध्य इतिहास था, मध्य इतिहास ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, ये सब चीज़ें नहीं थी। क्या नहीं था? विज्ञान नहीं था, ठीक है, डेमोक्रेसी नहीं था, आज़ादी नहीं थी, बराबरी नहीं थी, वो हो गया हमारा मध्य इतिहास। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ स्टडी। कह रहा है क्या बात, यह बात हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि वाकई में मॉडर्न हिस्ट्री जो अंग्रेजों ने बताई है, जो दिखाई है, यही सच है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो बच्चों हमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि हमारा भारत देश बहुत पहले पिछड़ा हुआ था, यहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा था, रेसिज्म था, ठीक है, मतभेद था, जातिवाद था, ठीक है, यानी बहुत सब चीज़ें यहाँ पर थीं। इनको दूर करने में बहुत बड़ा हाथ तो वेस्ट कर रहा है, ठीक है, जो गवर्नर जनरल्स रहे हैं उन्होंने कुरीतियों को दूर करने का काम तो किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री भी जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से भी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है कि हाँ ये सब चीज़ें वहाँ से दूर होती हुई दिखी हैं धीरे धीरे, इसीलिए उसको मॉडर्न हिस्ट्री कहा भी जाता है। ये हकीकत है, इसको हमें एक्सेप्ट करना भी होगा, ठीक है। एज़ यू विल सी इन दिस बुक, आप इस बुक में देखेंगे कि अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश के रूल के अंदर पीपल डिड नॉट हैव इक्वलिटी, कि ब्रिटिश रूल के अंदर लोगों के अंदर इक्वलिटी नहीं था, बराबरी नहीं था, फ्रीडम और लिबर्टी आज़ादी भी नहीं था, नॉर वाज द पीरियड वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, ना ही कोई भारत में प्रोग्रेस हुआ था, ना ही कोई बढ़ोतरी हुई थी। मैनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एंड कॉलोनियल। इसके अलावा भी लोग इस पीरियड को, जो मॉडर्न पीरियड है, जो अंग्रेजों का ज़माना था, उसको कॉलोनियल कहते हैं। कॉलोनियल मतलब शहरी नागरिक, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं भैया बहुत ही नागरिक और शहरी वातावरण था उस टाइम पे। ये क्या सही था या नहीं, इसके बारे में हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि भाई वाकई में क्या कॉलोनियल था या नहीं था, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को फिनिश भी कर दूंगा और इस चैप्टर का आपको एक्सरसाइज भी करा देंगे। तो बच्चों अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको कुछ जानना चाहते हैं आप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे हेड।